प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का गुजरात का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो चुका है। इस दौरे का मुख्य केंद्र राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करना है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि गहलोत का गुजरात दौरा मंगलवार से शुरू होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह सूरत शहर नहीं पहुंच सके। सीएम गहलोत अब 3 दिन के बजाय 2 दिन दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रवक्ता मनीष दोषी ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत अब 3 दिन के बजाय 2 दिन राज्य में रहेंगे और बुधवार को वडोदरा पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि गहलोत इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोषी ने बताया कि गहलोत शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे और 18 अगस्त को वापस जाने से पहले वे एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण एवं सौराष्ट्र जोन की बैठकों की योजना जल्द ही बनाई जाएगी। राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गुजरात में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा है। कल राजकोट में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। राजकोट में कल कार्यक्रम में राजस्थान के रेवेन्यू मंत्री सुखराम बिश्नोई, सांसद शक्ति सिंह गोयल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मुड़वारिया व जगदीश चंद्र समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस ने 12 जुलाई को सीएम गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अशोक गहलोत 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी थे। वर्तमान में राजस्थान के विधायक रघु शर्मा यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। RPD न्यूज राजस्थान।